सकता, मतलब अगर आपकी गर्लफ्रेंड हो या कुछ भी हो, कैसे मैनेज करते होंगे? ये ऐसी फीलिंग है, है बाबू पापा ही बगल में, तुम पिटवाओगे तुम पिटवाओगे। हाँ। आ रहे थे कि पत्रकारिता करनी है, तमाम सी चीजें। थोड़ा सा बचपन के दौर की तरफ बढ़ते हैं। मैंने सबसे पहले जब आपके YouTube चैनल मैंने सबसे पहले खोजा था तो उसमें शायरियाँ लिखी हुई थी, आप वीडियो भी बनाते थे YouTube पे, ये वाला शायद बहुत लोगों को नहीं पता, और जितने भी लोग यहाँ पे हैं आपके उस दौर पे नहीं जाते थे जब आप YouTube पे शायरियाँ लिखते थे, ये करते थे, आज उसको याद किया जाए थोड़ा सा। मैंने जब मैं एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल है वहाँ पे मैं गया था और हिंदी का जो 34 नंबर 34 नंबर पा के पास हुआ जाता है ना वो स्थिति थी, लेकिन संघर्ष इतना तगड़ा था ना कि मैं उस न्यूज़ रूम में गया, झूठ बोल के एंट्री मारा कि हमको एडमिशन लेना है। जैसे नौकरी के तो गेट पर से भगा दिया जाता है, तो मैं झूठ बोल के अंदर गया। और दिव्यांश आप समझो कि मई जून की गर्मी, पानी मतलब कि 20 रुपये का बॉटल खरीदना बहुत वो हुआ करता था। और वो पैसा मैं बचाता था चाट वगैरह खाने के लिए, थोड़ा सा पेट में कुछ रहे। मैं अंदर गया ना तो जैसे यहाँ पे सोफा लगा हुआ है और टेबल है, तो कई सारे ग्लास उस न्यूज़ रूम में पानी रखे हुए थे और ठंडे ठंडे पानी थे, और आप समझ रहे हो कि प्यासा व्यक्ति और उस पानी की तरफ देख रहा है। हाँ। मैं पानी उठा के जल्दी जल्दी पी रहा हूँ। हाँ। और उसके बाद से अचानक से मुझे नींद लगी। हाँ। भारत पाकिस्तान का मैच आ रहा था। हाँ। उस दिन मैच देखते देखते लिटरली मैं ऐसा करता नहीं। हाँ। क्रिकेट के बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ। लेकिन मैं मेरी आँख लग गई और जब मैं जैसे जागा ना, थकान थी और जैसे जागा ना, मेरे ऑटोमेटिक मतलब कि वो टाइप होने लगा, ऑटोमेटिक टाइप होने लगा। और वो टाइप ये हो रहा था कि सामने मुकाम है, उलझने तमाम है, पर जिद में अब ये जान है, संघर्ष अविराम है, संघर्ष अविराम है। और उसी के दौरान फिर मुझे लगा कि अरे ये तो मैं लिख भी सकता हूँ। अच्छा, फिर अच्छा। तमाम जैसे कि मेरी आम ब्रह्माष्टमी मैंने लिखा, और उसके बाद से फिर आए खुदा अब मिल भी जा मैंने लिखा, और कुछ लव पोएट्रीज भी लिखता हूँ, लेकिन लव पोएट्रीज से अब थोड़ा सा दूरियाँ बढ़ रही हैं क्योंकि पत्रकारिता क्षेत्र ही ऐसा है कि थोड़ा सा अब क्रांतिकारी होना अच्छा, पड़ेगा। ये वीडियो मैं जब बना रहा हूँ, मेरे मन में एक और भी सवाल आ रहा था कि विकास गोस्वामी को टाइम मिल जाता है थोड़ा सा, मतलब अगर आपकी गर्लफ्रेंड हो या कुछ भी हो, कैसे मैनेज करते होंगे, है या नहीं है? मतलब इसके लिए ये ऑफ कैमरा बात है, ये मतलब ऑफ कैमरा मैं कहूँ, कैमरा चल रहा है, ये ऐसी फीलिंग है, है बाबू पापा ही बगल में, तुम पिटवाओगे तुम पिटवाओगे। हाँ। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब देना उचित नहीं होता है, बाकी रहा बात समय निकालने का। हाँ। तो ऑब्वियसली बात है समय निकल जाता है, समय निकल और जाता है। इस तरह के सवालों से थोड़ा सा यार भाइयों को बख्श दिया करो। एक सवाल, अंतिम सवाल, विकास गोस्वामी का अगला लक्ष्य क्या है? तमाम से चुनाव आ रहे हैं, पत्रकार चाय वाला कॉन्सेप्ट आपने बता दिया कि क्या है, अपनी टीम के कुछ लोगों के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुझे यशस्वी यशवंत भैया से मैं मिला, उनसे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें की, तमाम सी चीज़ें अपनी टीम के बारे में बताइए, क्योंकि कहा जाता पूरी है टीम के बारे में बता रहा हूँ। हाँ। लेकिन एक व्यक्ति के बारे में नहीं बता सकता जो मेरे लिए ब्रह्मास्त्र है, और वो मुझे मना करता है अगर मैं बता दिया तो डांटेगा भी। हाँ। लेकिन बाकी जितने भी टीम कौन है मेरे, कौन नहीं, नहीं बता सकता नहीं, ना वो दिक्कत है। अच्छा, तो बहुत सपोर्ट है टीम का, चाहे वो मतलब कि एक कैमरामैन हो मेरा, चाहे मेरा वीडियो एडिटर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, जितने भी हैं बहुत सपोर्टिव है और बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं। और जो लक्ष्य के बारे में आपने पूछा, लक्ष्य मात्र इतना है कि पत्रकारिता को ईमानदारी से और मजबूती से निभाना है, एकमात्र लक्ष्य यही है, बाकी व्यूज मैटर नहीं करता है, सब्सक्राइबर मैटर नहीं करते हैं, फॉलोअर मैटर नहीं करता है, कुछ भी मैटर नहीं करता है, जो मर्जी वो हो, सिर्फ और सिर्फ हर एक व्यक्ति के जितने भी मतलब कि आते हैं मेरे पास कॉल वगैरह, उनका दुख दर्द समझ पाऊँ, उससे कुछ कर पाऊँ, बस यही लक्ष्य है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, इनसाइड पूर्वांचल टीवी को लेके क्या अभी मन में चल रहा है, क्योंकि इनसाइड भारत टीवी सबने देखा है, सबने जाना है, इनसाइड पूर्वांचल टीवी, इनसाइड पूर्वांचल भी इनसाइड भारत टीवी का हिस्सा है। अच्छा। और उस पर तमाम लड़कों को, नए लड़कों को और नए लोगों को मौका दिया जा रहा है, तो उस पर आप क्यों नहीं जा सकते? जाऊँगा बिल्कुल, मैं भी आऊँगा जब पूर्वांचल का कवरेज करूँगा, अभी हाल फिलहाल में चुनाव है तो लगातार आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा। ये थे विकास गोस्वामी भैया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के लिए, और जितने भी लोग हैं मुझे यहाँ पे, जब यहाँ पे भीड़ ये हो रही थी, तो एक वक्त आता है जब हम किसी के दरवाजे पे जाते हैं, एक वक्त ये भी आता है जब लोग आपके दरवाजे पे आते हैं और आपका नमन करते हैं, ऐसा भी दिन आता है। और हमेशा से पत्रकारों को कहा गया है कि भैया ये कॉन्फिडेंट या कहें या डिपेंडेंट होते हैं, यानी दूसरे पे डिपेंड होते हैं पत्रकारों के बारे में, लेकिन जब भी आप पत्रकार चाय वाले को इस जगह पे नौका विहार के चंदा चंपा देवी पार्क है वहाँ पे देखेंगे, तो समझिएगा भैया कि चंपा देवी पार्क में पत्रकार किसी पे डिपेंड होने नहीं,
कॉन्फिडेंट होने आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।